हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन तड़का। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे बेसन का कोरमा या मींजा भी कहते हैं। यह बेसन की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बेसन का मींजा बनाने के लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, 2 चुटकी हींग लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है और पानी लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक लिया है, दोनों को मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है नमक एज पर टेस्ट, 1 टेबलस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है और 1/2 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 1/4 टेबलस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है। सबसे पहले हमें बेसन के छोटे छोटे दाने बनाने हैं या छोटी छोटी गोलियां बनानी हैं। उसके लिए हम बेसन को पहले एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें मैंने हींग डाल दिया है और नमक भी डाल दिया है। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। छोटे छोटे दाने बनाने के लिए या गोलियां बनाने के लिए मैं इसमें पहले एक हाथ से पानी छिड़कूंगी और दूसरे हाथ से हथेलियों की हेल्प से घुमाते हुए इसमें दाने बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम पानी इसी तरह से डालते जाएंगे और हाथ घुमाते जाएंगे जिससे थोड़ी ही देर में हमें बेसन का एक ऐसा टेक्सचर मिलेगा। हमें इसका आटा नहीं लगाना है, बस इसको इसी तरह से क्रम्बल करना है। ये बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हमें पानी तब तक डालते रहना है जब तक इसमें अच्छे से दाने नहीं बन जाएंगे। ये देखिए, बेसन अच्छे से क्रम्बल हो गया है, इसका सारे बेसन की छोटी छोटी गोलियां बन गई हैं। अब इन गोलियों को हमें थोड़े से तेल में फ्राई करना है। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है और ये सारी गोलियां भी डाल दी हैं। बस इसको इस तरह से 5-6 मिनट तक हमें फ्राई करना है ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। बड़ी बड़ी गोलियों को हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। कुछ ही देर में बेसन की गोलियां अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। देखिए, काफी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। देखिए, गोलियां काफी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हमें इस सब्जी की ग्रेवी बनानी है। पैन में मैंने थोड़ा सा और तेल डाल दिया है, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून मैंने तेल डाला है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, तेल ठीक से गर्म हो गया है और अब मैं इसमें लहसुन और अदरक भी डाल रही हूँ। एक बार चला लेंगे इनको अच्छे से। साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें टमाटर भी डाल रही हूँ। टमाटर डाल के एक बार ठीक से चला लेंगे और अब इसमें सूखे मसाले भी मैं ऐड कर रही हूँ। मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी का मसाला अच्छे से भूनने के लिए मैं इसमें लगभग 1/2 कप पानी मिलाऊंगी और इसे 5-6 मिनट के लिए मैं इसे ढक के कुक करूंगी ताकि मसाला अच्छे से गल भी जाए और ठीक से भुन जाए। 5-6 मिनट हो गए हैं, मैं इसे चेक कर रही हूँ और देखिए, मसाला ठीक से भुन गया है, इसने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं कसूरी मेथी डाल के थोड़ा सा चलाऊंगी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं डाल दूंगी इसमें बेसन के छोटे छोटे दाने जो हमने बनाए थे। मैं मिक्स कर लेंगे मसाले में। यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसमें हमें ग्रेवी नहीं लगानी है, लेकिन 2 कप मैंने पानी डाला है। बेसन सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा बड़े आराम से और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये सब्जी मसालेदार थोड़ी ड्राई बनती है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनती है। इसे मैं ढक के 10 से 15 मिनट तक कुक करूंगी।
बस 15 मिनट हो गए हैं, देखिए चेक कर रही हूँ मैं इसे, ये काफ़ी अच्छे से बन गई है। पानी भी देखिए एकदम ड्राई हो गया है, एकदम मिंझा बन के एकदम रेडी है। इसे आप रोटी के साथ, परांठे के साथ या राइस के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।